देखिए अपन ध्यान कीजिए, पांचवा का पहला फोर ई की घात एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये चार क्या है, अचर राशि है में, और ई की घात एक्स क्या है, चर राशि। तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट चार से अलग करने हैं, डी बाई डी एक्स ई की घात एक्स। और याद रखना है ई घात एक्स का अवकलन ई घात एक्स ही होता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ई घात एक्स बराबर ई की घात एक्स ही होता है। ये फार्मूला है, ये फोर हो गया ई घात एक्स का ई घात एक्स ही होगा। अगला सवाल है, ए एक्स की घात एन माइनस बी ई की घात एक्स। यहाँ पर देखिए आपको पहचानना है इसमें से चर राशि कौन है, अचर राशि कौन है। ए क्या है इसमें, अचर राशि है। एक्स की घात एन क्या है, चर राशि। वैसे बी क्या है इसमें, अचर राशि है। और ई की घात एक्स क्या है, चर राशि। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, यहाँ से ए अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स की घात एन माइनस बी अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की घात एक्स। अब यहाँ से ए का ए ही रहेगा, एक्स की घात एन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स की घात एन माइनस वन माइनस बी ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है, ये वैसे ही रहेगा। ए क्या है इसका आंसर है। अगला सवाल देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लॉग एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए क्या है, अचर राशि है। यहाँ ए को आपको, ये ए अचर राशि है, एक्स स्क्वायर चर है। बी क्या है, अचर राशि। लॉग एक्स क्या है, चर राशि। जो फॉर्मूला में वो सब चर राशि है। ए को आपको अलग करना है, डी बाई डी एक्स स्क्वायर। बी को अलग करना है, डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। यहाँ से ए का ए रहेगा, एक्स स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो दो कहाँ जाएगा सामने, फिर एक्स, दो में एक कम करना है तो एक। बी का बी लॉग ई एक्स का होता है वन बाई एक्स, यहाँ पर बताया था आपका, चूंकि डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। ये फॉर्मूला है, ये हो गया आपका, ये तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जमा के लिखेंगे टू ए एक्स प्लस बी बटे एक्स, बी का गुणा एक करेंगे तो इसका आंसर है। देखिए अगला सवाल, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। जब ऐसे पूरे का बटा रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या है, सबके लिए है। पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा दो एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। उसके लिए दोनों ये कट जाएगा एक जैसे, इसलिए यहाँ से एक सी घात दो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एक सी घात माइनस दो हो जाएगा घातांक के नियम से। यहाँ पर देखिए एक से ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम दो बार एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स और एक्स कट गया, ये दो हो गया, ये घात एक ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, थ्री लॉग एक्स। फिर हल करने के बाद अब इसका क्या कर रहे हैं, अवकलन। यहाँ पर हम बनाएंगे डी बाई डी एक्स एक्स की घात माइनस दो, दो अचर राशि को अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स की घात माइनस वन, वैसे तीन अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ये वाला एक्स है, ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस दो सामने में आ जाएगा, फिर एक्स माइनस दो माइनस वन, ये दो हो गया, वैसे ये माइनस वन सामने में आ जाएगा, फिर एक्स माइनस वन माइनस वन, ये थ्री हो गया। लॉग एक्स का ये वाला देखिए वन बाई एक्स डायरेक्टली लिखना है इसका। यहाँ से माइनस दो एक्स, दो एक कितना हो जाएगा तीन, यहाँ से देखिए प्लस माइनस, माइनस दो एक कम दो एक्स, एक और एक दो, ये तीन एक कम तीन बटा एक्स, ये क्या है इसका आंसर है। ये प्रश्न आठवां
एलएक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम बटा कर्णी एक्स। अभी कर्णी एक्स क्या है, सबके लिए है, इसको आप सबके लिए इस प्रकार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एलएक्स स्क्वायर, कर्णी एक्स है तो आप याद रखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, कर्णी मतलब एक बटा दो, एक्स की घात एक बटा दो, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या कर्णी एक्स दोनों का मतलब एक ही होता है, ये हो जाएगा एक्स की घात एक बटा दो प्लस ये एम एक्स हो गया बटा एक्स की घात एक बटे दो प्लस ये एम हो गया एक्स की घात एक बटे दो, सब नीचे लिखना है। अब एक्स की घात एक बटे दो को ऊपर ले जा रहे हैं, ये हो गया एल एक्स की घात दो, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक बटे दो हो जाएगा प्लस उल्टा माइनस, फिर ये एम एक्स हो गया, ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, फिर ये एम एक्स की घात माइनस एक बटे दो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसे घातांक के नियम से। अब यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स है तो ये क्या होता है, आधार समान है, घात जुड़ता है, गुणा की स्थिति में ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा दो माइनस एक बटे दो हो जाएगा एम एक्स, यहाँ पर वन है तो वन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, इसको तो वैसे ही लिखना है, ये कुछ नहीं करना है, अभी अवकलन नहीं कर रहे ना, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया एल एक्स दो दूनी चार, इसका गुणा इसमें होगा दो दूनी चार, चार में से एक कम करें कितना हो जाएगा तीन बटे दो, दो नीचे रह गए, फिर एम एक्स दो एकम दो, दो में से एक कम किए एक और नीचे में दो रह गए, ये वैसे ही रहेगा एल एक्स की घात माइनस एक बटे दो। अब यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, एल क्या है अचर राशि, इसमें एम क्या है अचर राशि, इसमें एल क्या है अचर राशि, एक्स चर है, एल को अलग कर रहे हैं, एल डी बाई डी एक्स एक्स की घात तीन बटे दो प्लस एम डी बाई डी एक्स एक्स की घात एक बटे दो प्लस एन डी बाई डी एक्स एक्स की घात माइनस एक बटा दो। अब यहाँ पर ये एक सी घात में सब में सब में वाला फॉर्मूला लगाना है, एन एक्स की घात एन माइनस वन, ये हो गया एल थ्री बाई टू सामने में आ जाएगा एक्स थ्री बाई टू माइनस वन प्लस ये एम हो गया एक बटा दो सामने में आ जाएगा फिर एक्स एक बटा दो माइनस एक, ये एम हो गया माइनस एक बटा दो सामने में आ जाएगा एक्स माइनस एक बटा दो माइनस एक्स, क्लियर इतना। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, आप इसको जमा लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर देखिए ए इंटू थ्री बाई टू एक्स, यहाँ दो एकम दो, यहाँ देखिए तीन में से दो गया एक बटे दो प्लस यहाँ पर देखिए एम इंटू एक बटे दो, ये एक्स हो गया दो एकम दो, तो देखिए वन माइनस टू बाई टू, यहाँ देखिए यहाँ दो एकम दो वन माइनस टू बाई टू, यहाँ प्लस माइनस माइनस एन हो जाएगा बटे दो, ये एक्स हो गया, यहाँ पर क्या होगा दो एकम दो माइनस एक माइनस दो बटे, ये हो गया जमा के लिए भी हो जाएगा थ्री एल बाई टू, ये हो गया एक्स की घात एक बटे दो, फिर ये हो गया आपका अब जमा इसको लिख देंगे तो हो जाएगा आपका एम बाई टू एम कम, ये हो गया एक्स दो एम से गया एक बटे दो, लेकिन ध्यान देंगे दो बड़ा है इसलिए माइनस, फिर ये हो गया आपका एम बाई टू एक्स, ये समान चिन्ह जुड़ जाएगा दो एक तीन तो माइनस तीन बटे, आप चाहे इसको और जमा लिख सकते हैं या इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए अगला प्रश्न, सात एक्स का दो माइनस तीन एक्स प्लस दो बटा कर्णी एक्स, तो कर्णी एक्स क्या है, सबके लिए है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि सात एक्स की घात दो बटा कर्णी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात एक बटा दो, ये हो जाएगा एक्स की घात एक बटा दो माइनस तीन एक्स, इसके भी नीचे लिखना है एक्स की घात एक बटा दो फिर प्लस दो, इसके भी नीचे लिखना है एक्स की घात एक बटा दो। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये तीन एक्स ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये दो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा सात हो गया एक्स दो माइनस एक बटे दो, धार समान है तो यहाँ से क्या हो जाएगा दो माइनस एक बटे दो, यहाँ पर एक रहता है तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू, इसको तो ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर ये हो गया सात एक्स दो दूनी चार और चार में से एक गया तीन और नीचे में दो रह गए माइनस तीन एक्स दो एकम दो और दो में से एक गया एक नीचे में दो रह गए, इसको तो वैसे लिख देना है।
अब अपलन करना है, यहाँ पर सात तीन दो, तीनों क्या है अचर राशि है, तो अलग करना है सात डी बाई डी एक्स एक्स सीधा तीन बटे दो माइनस तीन डी बाई डी एक्स एक्स सीधा एक बटे दो प्लस दो डी बाई डी एक्स एक्स सीधा माइनस एक बटा दो। इस प्रकार अभी क्या हो जाएगा सात अपलन करना है क्या हो जाएगा तीन बटा दो एक्स तीन बटा दो माइनस एक ये तीन हो गया, ये हो जाएगा एक बटा दो एक्स एक बटा दो माइनस एक ये दो हो गया, ये माइनस एक बटा दो एक्स माइनस एक बटा दो माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगा है एन एक्स मिलाते हैं माइनस वन, ये सातीय इक्कीस बटा दो एक्स, यहाँ से देखिए दो एकम दो ये हो जाएगा आपका तीन माइनस दो बटे दो माइनस तीन एकम तीन बटे दो ये हो जाएगा फिर तीन गुणा करेंगे तो वन माइनस टू बाई टू दो एकम दो प्लस माइनस माइनस दो और दो कट जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक से कम एक्स दो एकम दो तो माइनस एक माइनस दो बटे दो ये हो गया आपका इक्कीस बटे दो एक्स तीन में से दो गया एक बटे दो हो गया तीन बटे दो एक्स दो में से एक गया एक दो बड़ा इसलिए माइनस यहाँ से हो गया माइनस एक्स दो और एक तीन। इस प्रकार आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं इक्कीस बटे दो ये एक से घात एक बटे दो कॉमन क्या लिख सकते हैं कर्णी तो हो जाएगा कर्णी एक्स ये एक से घात माइनस एक बटे दो को हम नीचे लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, वैसे इसको आप चाहें तो आप नीचे ला सकते हैं तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन बाई एक से घात थ्री बाई टू ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर फिर से देखिए एक से घात एक बटे दो है तो आप इसको फिर से क्या लिख सकते हैं कर्णी लिख सकते हैं तो दो कर्णी एक्स हो जाएगा। क्लियर? ऐसे इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं।